पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी पेट्रोल 99.88 रुपए हो गया है तो वहीं डीजल के दाम 91.29 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं गुरुग्राम में लोगों की माने तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ना ही सिर्फ उनका बजट बिगड़ गया है बल्कि फल सब्जी जैसी अन्य चीजें भी महंगी हो रही है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। महेंद्र जी, पेट्रोल की कीमतें शतक से सिर्फ 12 पैसे दूर है, मालिक मालिक सुनो मालिक, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? देखो जी, हम तो भगवान के सहारे हैं जी, जितना दे रहा है उतने में गुजारा चल रहा है। डेली हमारा गाड़ी का खर्चा किराया 100 रुपया खर्चा लग रहा है डेली। तेल पानी जो भी महंगाई है, जो कुछ भाई, कभी बड़े बड़े रोडों का काम चल रहा है, कहीं फ्लाई ओवर चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भाई गवर्नमेंट क्या अपने घर में देगी? ये तो पब्लिक में से निकल रहा है ना। अब अपना खर्चा भाई थोड़ा कम करो, ये तो किराया लगना ही है। मेहनत के और मेहनत करो भाई, साधन बढ़ाओ, कुछ दो पैसे फालतू बनाए। रितेश कुमार। रितेश जी, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, 99.88 आज हो गया है शतक से। बस सीएनजी बढ़ गई है, दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। हम जैसे आदमी को यार दिक्कत ही दिक्कत है भाई। अब बता, कम आके आए हैं, फिर 300 रुपये का तेल डल गया भाई। 300 रुपये में 3 लीटर आ रहा है, पहले 300 रुपये में भाई 5 लीटर आ जाता था। अब बताओ कितना बुरा हाल है। ये सारे वैक्सीन के रुपये हमें से निकाल रहा है और कुछ नहीं कर रहा भाई। कैलाश, कैलाश जी, लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, 99.88 हो गया आज 1 लीटर का दाम। कितनी दिक्कतें आती हैं ऐसे महंगे पेट्रोल से? दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन करेगा क्या, है ना। जो कुछ भी है तो मैंने कहा गवर्नमेंट के हाथ में, ये खाते उन्हीं का है ना। आपके हाथ में बहुत चीज़ें, गवर्नमेंट बनाना आपके हाथ में है, तो गवर्नमेंट 5 साल में बनेगी तब आगे देखेगी। और ऐसे में पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे कितने प्रतिशत कमाई आपकी पेट्रोल में चली जाती है? पड़ गया मतलब अराउंड 20% फर्क पड़ गया। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।